हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ते हैं क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स। ओके, पेज नंबर है आपका 12, क्वेश्चन नंबर है 20, वर्क बुक। ओके, ऐड, यहाँ पर आपको ऐड करना है 5 किलोमीटर 340 मीटर एंड 23 किलोमीटर 210 मीटर। अब यहाँ पर किलोमीटर और मीटर में दिया है, इनको ऐड करना है। ओके, पहले हम लिखेंगे किलोमीटर, मीटर लिखेंगे, यूनिट्स लिख ली इनकी। फिर किलोमीटर के जस्ट हम क्या लिखेंगे, किलोमीटर के 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर लिख लिए, 340 मीटर लिख लिया। नेक्स्ट है आपका 23 किलोमीटर तो 23 किलोमीटर लिख लिया, एंड मीटर में आपका 210 तो 210। प्लस करेंगे, आपको पता है प्लस कौन से करते हैं, यूनिट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो क्या हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा। कौन सी साइड से करते हैं हम, लेफ्ट टू राइट। ओके, तो यूनिट्स के क्या है, आपकी 0 है यहाँ पर यूनिट्स, तो 0 का 0, 0 प्लस होगा 0, 4 और 1 प्लस होगा 5, 3 और 2 प्लस होगा 5, ये मीटर में होगा है। अब ये किलोमीटर में करेंगे तो 5 और 3 एट होता है, 5 एंड 3 एट एंड 2 का 2। ओके, नेक्स्ट बी आपको खुद करना है, यहाँ पर मीटर और मिलीमीटर में दिया है, सेम इसी की तरह करना है आपको, मीटर और मिलीमीटर यूनिट्स बना लेंगे और मीटर की जो मीटर में डिजिट है उसको मीटर के नीचे लिखेंगे, जो मिलीमीटर के डिजिट है वो मिलीमीटर के नीचे लिखेंगे। ओके, यहाँ पर है लीटर एंड मिलीलीटर, तो ये भी आपको ऐसे ही करना है, एंड किलोग्राम एंड ग्राम, ये भी आपको 3 क्वेश्चंस इसके आपको होमवर्क है। ओके, ये आपको सेम इसी टाइप से करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, सॉल्व द फॉलोइंग एंड एस्टिमेट द सम टू नियरेस्ट 100। यहाँ पर जो दिए हुए हैं क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है, एंड नियरेस्ट टू 100, इनका नियरेस्ट निकालना है, किसका 100 निकालना है, नियरेस्ट टू 100, और फिर उसको भी सॉल्व करना है। ओके, तो पहले हम जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं, आपको पता ही है सॉल्व कैसे करते हैं, यूनिट्स से सॉल्व करते हैं। तो यूनिट्स यहाँ पर आपकी क्या है, 5, एंड सेकंड में है आपकी 4, तो 4 और 5 9 हो गया, 1 और 0 1 हो गया, 2 एंड 7 9 होता है, 2 एंड 7 9 9, 3 एंड 9 कितना होगा, 3 एंड 9 12 होगा, 12 का 2 कैरी आया 1, तो 1 हमने ये लिख दिया, 1 एंड 7 8 हो गया, 8 एंड 5 13 हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका सॉल्व। अब इसको नियरेस्ट टू 100, तो आपको पता है 100 कहाँ पर होगा, थर्ड नंबर, लेफ्ट टू राइट, तो थर्ड देखेंगे, यहाँ पर क्या है आपका, यूनिट क्या है 5, 10 क्या है 1, एंड 100 क्या है 2, तो 2 नियरेस्ट 100 क्या होगा, 100 के नियरेस्ट किसका होगा, 200 हो जाएगा। सेकंड में आपका है, तो सेकंड में क्या है आपका, यूनिट 4 है, 10 क्या है आपका 0, 100 क्या है आपका 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे हम, 0 का 0 और 0 प्लस 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 2 प्लस 7 9 हो जाएगा, 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, 12 का 2 कैरी आएगा 1, 1 एंड 7 8, 8 एंड 5 13, तो ये हो गया आपका एस्टिमेटेड सम। ओके, 1,32,900। ओके स्टूडेंट, बाकी बी वाला सेम ऐसे ही करना है, इसका भी आपको ये प्लस करना, फिर इसका नियरेस्ट 100 करना है प्लस, तो इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा, यूनिट क्या है 4, 10 क्या है 1, एंड 100 क्या 6, तो इसका नियरेस्ट 100 आ जाएगा 600, एंड इसका आ जाएगा, इसका क्या होगा, देखो 50, 49 से जो कम है उसका 100 आएगा, लेस में आएगा, जैसे यहाँ पर 14 है फर्स्ट में, तो इसका लेस में आएगा, मतलब 600 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 49 से ज़्यादा है ना, 76 है, तो इसका नियरेस्ट 100 आएगा 400। कैसे आएगा इसका, देखिए यूनिट है 0, यूनिट है सॉरी 6, यूनिट 6, 10 है इसका 7, एंड 100 क्या है इसका 3, तो इसका आ जाएगा 400, नियरेस्ट 100 आ जाएगा 600 और 400। इसको सम करना है और बी सी एंड डी आपको करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, कन्वर्जन ऑफ लेंथ यहाँ पर करते हैं 7 किलोमीटर 2 मीटर। यहाँ पर
7 किलोमीटर में दिया, इसको चेंज करना है मीटर में। ओके, मीटर में चेंज करने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने लिखा है सिंस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 7 किलोमीटर, अब इसको मीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 में मल्टीप्लाई किया हमने 1000 से, तो ये मीटर में चेंज हो गया, तो कितना आ गया, 7000 मीटर। ओके स्टूडेंट, 1 किलोमीटर में आपका होता है 1000 मीटर। 7 किलोमीटर चेंज करना है आपको, तो 7 किलोमीटर हम 7 में क्या करेंगे, मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा आपको, 7000 मीटर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 मीटर इंटू सेंटीमीटर। अब 5 मीटर को आपको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, मीटर पहले हम पता करेंगे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। 5 मीटर में क्या होगा, हैंस 5 मीटर इज इक्वल टू 5 × 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, क्वेश्चन सी करते हैं। इसका सी करेंगे, सी का लिखा है 2975 मीटर इंटू किलोमीटर। देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट क्या दिया था, किलोमीटर में दिया था, मीटर में चेंज करना था। अब आपको इसका सी क्या दे दिया, मीटर में दे दिया, किलोमीटर में चेंज करना। तो आपको सिंस हमने पहले ही पढ़ा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, तो हमने लिखा है सिंस 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, हैंस 2975 मीटर इज इक्वल टू 2975 × 1000 डिवाइड करेंगे हम 2975 को डिवाइड करेंगे हम 1000 से, तो आपका आ जाएगा 2.975 किलोमीटर। ओके, 2.975 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका डी, सेंटीमीटर इंटू किलोमीटर। अब सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो यहाँ पर आपको कितने सेंटीमीटर में, 1 किलोमीटर होगा, देखते हैं हम, 1 लाख सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर। ओके, 1 लाख सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोमीटर। तो हैंस करेंगे हम 1,31,205 सेंटीमीटर को हम मल्टीप्लाई, फिर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1,31,205 × 1/1 लाख, 1 लाख से हम डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा आपका 1.3125 किलोमीटर। ओके, 1 किलोमीटर 31205। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर लिखा 1 लेस देन, तो यहाँ पर आपको जो नंबर दिया हुआ है उसका 1 लेस करना है। ओके, 1 लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 99,999,999. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका 1 करोड़ ब्लैंक्स दिया हुआ, लाख, 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, 100 लाख होते। ओके, द नेक्स्ट है आपका द सक्सेसर ऑफ 39,85,699 इज, तो यहाँ पर ब्लैंक्स भी क्या जाएगा, सक्सेसर मीन्स होता है आपको 1 प्लस करना, ठीक है, ठीक है, तो आप इसमें 1 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 39, मतलब एक बड़ा कर लिखना है, हाँ 1 प्लस करना है। ओके, तो 39,85,000, यहाँ पर 699 था, तो 1 प्लस करेंगे तो 700। द प्रेडेसेसर ऑफ 5,35,15,000 इज, इसका प्रेडेसेसर मींस क्या होता है, माइनस करना, ठीक है, लेस होता है, 1 लेस करना, तो 1 लेस करेंगे तो इसका आ जाएगा 5,35,14,999। अब यहाँ पर आपको ग्रेटर, नेक्स्ट में है आपका 5,15,35,000
759 ब्लैंक्स 5,15,5,15,35,597। इसमें आपको ग्रेटर, लेस एंड इक्वल साइन पुट करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर आएगा कौन सा है, 5,15,35,759। ओके स्टूडेंट, ये होगा आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करना है आपको, यहाँ पर डिजिट दिए हुए हैं 22,50,150, इसमें से आपको माइनस करना है 13,592 को। तो पहले हम फर्स्ट वाला लिखेंगे, देन हम सेकंड वाला जब डिजिट लिखेंगे, सेकंड नंबर लिखेंगे, तो हम इसका यूनिट से स्टार्ट करेंगे। जैसे जीरो फर्स्ट का यूनिट और सेकंड का यूनिट सेम आना चाहिए, ठीक है, 1/1 तो जीरो इसका फर्स्ट डिजिट का यूनिट क्या है, जीरो, सेकंड डिजिट का क्या है, टू, सेकंड का टेन क्या है, फाइव, फर्स्ट का टेन है फाइव, सेकंड का नाइन, ऐसे ही हमने इसको ऑर्डर में जमा लिए, ठीक है, लिख लिए। अब इनको माइनस करेंगे, देखो जीरो में से टू तो माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी ले लेंगे, फाइव से कैरी लिया तो यहाँ फोर होगा, तो ये जीरो क्या हो जाएगा, कैरी ले ली तो टेन, टेन में से टू जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन में से टू माइनस होगा एट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, फिर यहाँ पर फोर में से नाइन नहीं जाएगा, तो फिर हम यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ से कैरी लिया तो यहाँ कितना होगा, फोर्टीन, फोर्टीन में से नाइन होगा तो नाइन माइनस होगा फाइव आ जाएगा। अब यहाँ पर वन तो था ही, वन हमने यहाँ कैरी दे दिया इसको, अब यहाँ जीरो बचा, तो जीरो, जीरो में से फाइव जाएगा ना, इसलिए हम यहाँ से कैरी लेंगे, कैरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, टेन में से फाइव जाएगा तो फाइव। अब यहाँ ऑलरेडी जीरो था, तो हमने यहाँ से लिया था वन, तो यहाँ टेन था, टेन में से हमने कैरी किसको दे दिया, तो यहाँ नाइन बचा, तो नाइन में से थ्री कैरी, थ्री माइनस होगा तो सिक्स आ जाएगा। अब यहाँ फाइव है, लेकिन हमने एक इसको कैरी दे दिया, तो यहाँ पर कितना बचा, फोर बचा, फोर, फोर में से वन होगा तो थ्री, ठीक है, आपका रिमाइंडर से इस कितना बचा यहाँ पर, फोर, फोर में से वन माइनस होगा तो थ्री और टू का टू। नेक्स्ट आपको ये आपको करना है बी सी एंड डी, जो क्वेश्चन में रह गए हैं, जो मैंने बोला है 20 के वी सी डी, ओके, 21 का वी सी डी एंड 24 का वी सी डी, ये आपके होमवर्क हैं, ये होमवर्क करके आप ग्रुप में सेंड करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।